अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्ज़ा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। साहिवाल कादिराबाद सारा दिन शदीद गर्मी के बाद तेज हवा के साथ हल्की बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। हर जानदार चीज खिल उठी, हर चीज में जैसे के जान आ गई हो। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद खिजर अफजा ने रेलवे रोड पर सीवरेज लाइन के लिए खुदाई के दौरान हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर के जां बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हादसे की जगह का दौरा किया और हिदायत की कि जख्मी मजदूरों को बेहतरीन इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। उन्होंने हिदायत की कि ठेकेदार काम के दौरान हिफाजती इकदाम जरूर उठाएं। उन्होंने कहा कि वाकई के जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजार ने सिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के जारी तमाम कामों की निगरानी सख्त करने की भी हिदायत की। साहिवाल जिला इंतजामिया की नाअहली और सेफ्टी इंतजामात ना होने की वजह से साहिवाल रेलवे रोड पर मेन सीवरेज पाइपलाइन के लिए खुदाई जारी। खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मजदूर दब गए, एक जां बहक, 2 को बचा लिया गया। जां बहक होने वाले की लाश निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया की तरफ से खुदाई के इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।